स्टार्टिंग से बोल दो, स्टार्टिंग से बोल देता हूँ। क्या हुआ था? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मुनव्वर है, मैं शॉप शाम है। तो मेरे मंजे भाई जो थे शेख अजमत फ़ोन कर रहे हो, यानी कि बोले कि मियाँ छोटे भाई को एक्सीडेंट हुआ, बोले उनके दोस्त बोले यानी कि सीखी वाले एक्सीडेंट हुआ बोले शायद। तो हमने सडनली क्या करे, बोले कहाँ है भाई, किधर है? तो श्री शराब में, श्री शराब हॉस्पिटल को ले लेके काचोड़े के पास। तो जब उनकी हालत देखे बहुत सीरियस है, बहुत ना बातचीत है ना कुछ, होश में रहते ना ऑलरेडी, उनके पास होश में रहते ऑलरेडी। उसमें तो उन्होंने सोचे क्या करेंगे क्या करेंगे। तो उनके जो सिकी के जो फ्रेंड थे उन्होंने बोले आदमी को पकड़े, हम लगा काचूगढ़ा पीएस में ले जाके दिए, मगर एक्शन कुछ भी नहीं ले रहे उनके पास। तो मैं क्या, चलो भाई आप लोग चलो हम जाके देखेंगे अपन क्या बोले एक्शन लेने का। जब गए पीएस को तो उन्होंने ऑलरेडी गेट के बाहर मस्त मज़े से बैठे हुए सुकून से। तो हमने बोले ऐसा आदमी एक सीरियस से हॉस्पिटल में अपने मौत के लिए लड़ रहा उन्हें, अभी बंदे को सीरियस ऐसा छोड़ दिए खुले हम बैठा हुआ है, आप एक्शन लियो। हाँ हैंड ओवर करे थे हम लोग उनके पास, हैंड ओवर करे गेट के पास कुर्सी डाल के पानी का बॉटल दे के बिठाए उनको। अच्छा सुकून है उन्हें क्या कर रहा माना, अच्छा सुकून से बैठा हुआ। हमने जाके बोले ऐसा कहीं को बिठाए, एक बच्चा गया दूसरा बच्चा जाएगा, मैं हम ये बोले तो जाके क्या करे, ये ऐसे सब जाके ऊपर बात करे तो क्या करे, कंप्लेंट नहीं लेते मर, कंप्लेंट एक्शन नहीं कर तुम मर, बैठो 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 बोल के कितनी देर तक बिठा दिए। उसके बाद हमने जाकर हमने 106-107 दोसा हो गया, थोड़ा गड़बड़ी गड़बड़ी शेयर करे। तो जब क्या करे, पेपर लिखे, पेपर लिखे क्या करे, बाजू खटा के रख दिए, पिटीशन डाल के ये सब का नाम नहीं, अंदर क्या है क्या है कांशा, जितने भी पेपर लेके लिख के रख दिए, लिख के दिए अंदर। हमने क्या करे, अब हो जाता ना तो हमने हॉस्पिटल को आए, हॉस्पिटल को आने चेक करेगा अंदर, फिर अपने जो भी है चेकिंग क्या से आते हॉस्पिटल के लिए ट्रीटमेंट के लिए, पुलिस वाले आके देखे करे। उसके अंदर फिर जाके हमने बोले एक्शन हुआ नहीं हुआ, एक्शन हुआ नहीं हुआ। फिर हमारे भाई साहब क्या करे, सबको बुलाए, सर्कल साहब सुल्तान मजार बुलाया, लिमिटेड एक्शन हुआ। सिवाने मना के इन्हें नशा एक नहीं दो कर चुका था, एक गांजे की हालत में भी था। तो जब वो बच्चा, जब मुताबिला जो बच्चा था, जब वीडियो देखे ना सीसी वीडियो खोल के, तो उनको जो सीगी के ऑर्डर के लिए फ़ोन में इंतज़ार कर रहे हैं ऑर्डर लेने के लिए, 80-80 वाले बैठे हुए है ना, हाँ उन्होंने बैठे हुए है चेकिंग कर रहे, उन्होंने बैठे हुए इंतज़ार वेटिंग के लिए, उन्हें पीछे से आके बैक साइड से आके मारा, मारा इसलिए कि बाने बोल रहा उनकी समझ में ये नहीं आ रहा, दाढ़ी वाले भी है और उन्हें दोस्तों साहब बोल के वहाँ पर बोला तुर्कुल्लू बोला करते, तुर्कुल्लू बोले तो यानी कि मुसलमान, इन्हें क्या मजहब खराब करने के लिए भी बोल रहा है ये बात। तासीयत बना उसका क्या हराम बना वो नहीं माना, ऐसे लोग आ रहे तो अपने को अकेला था फुल नशे की हालत में, उसको ये नहीं मानूँ कि कोई मारे तो भी था, होश नहीं है उसको, और पी एस में था डरा रहे थे भी होश नहीं होने, फुल मस्त है ने एकदम जवान को भी मार के पैर तोड़, यानी कि पुलिस वाले जब पुलिस वाले पकड़ के ले जा रहे तो पुलिस वाले के जवान को भी मार के पैर तोड़ चुका ऑलरेडी, हाँ आज ही होम गार्ड का पैर के ऊपर मारा लेके भे वही जगह पे मारा ने उसको पकड़ के लेके आ रहे, तो होम गार्ड के पुलिस वाले एक्शन नहीं ले रहे। पुलिस वाले हमने जाके जब दोबारा पूछे तो इन्हें मेंटल है, पागल है, यानी कि एड्रेस दे रहा हूँ स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है, पागल है। मैं ये जब फाइल्स में देखा चक्कर आ तो उसमें ऑलरेडी एड्रेस लिखा हुआ है, इसमें सगरअडी कुछ एड्रेस लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कामारेडी डिस्ट्रिक्ट कुछ लिखा हुआ है। जब बोल रहे हम लोग तो नहीं सुन रहा, तो नहीं ऑलरेडी गांजा, गांजा हो या शराब हो ये डिपार्टमेंट क्या कर रही है, इसको चीज़ को रोको, एफ आई आर हुआ है अभी, एफ आई आर हुआ अभी 1.5 घंटे में हम लोग कापी देंगे आपको, एफ आई आर कापी देंगे ना 3 बजे तक अवल है, इसके बाद क्या है देखेंगे। मगर ये गांजा और ये नशा करने वालों को हम डिपार्टमेंट से कहना चाह रहे हैं कि पुलिस से कि हमारे होम मिनिस्टर साहब कि इस चीज़ को रोको, क्यों बोले तो बस्सी रन दो या गली रन दो, आज एक शेख इनूस का मसला है तो दूसरा मसला रहेगा, कहीं और कोई टारगेट होएगा किसी के ऊपर भी होएगा। अब फिलहाल खुद ACO में होने सीरियस मैटर पर जीरा होने हमला सिक्स ब्रदर है, सिक्स ब्रदर में हमारा वो भाई जो है ना एकदम बोला एकदम सीधा साधा इंसान है ना, उन्हें मानने की हालत में भी नहीं है किसी को, उन्हें खुद ही परेशान है। गांजा पीले। अस्सलाम वालेकुम भाई, बोलना भाई, बोले बोले। अस्सलाम वालेकुम भाई, ये मेरे दोस्त के भाई थे इंजर्ड हुआ तो आगे वाला अननोन पर्सन मार दिया था उनको, अभी उसको पकड़ के पीएस में रखे हैं उसको, अभी DNR और मोतू साहब आए थे, एक्शन लिए इमिडिएटली और FIR भी करे उनके ऊपर, SI साहब भी बात करे और इमिडिएटली एक्शन लेंगे उसके ऊपर, ऐसा नहीं छोड़ेंगे बोल के बोले। हमको काचूगढ़ा पे PS से हमको यही है कि इंसाफ होना हमारे बच्चे को, अभी बच्चा भी जैसा हॉस्पिटल में एडमिट है, ICU में है उन्हें,
हमला करने वाला शख्स जो था दूसरा अननोन पर्सन बोला कि नहीं पागल है बोल के बोले, ऐसा पागल को तो ऐसा रोड पे नहीं छोड़ सकते उसको, उसका कुछ कहूँ तो एक्शन लेना चाहिए इसके ऊपर और उसको जेल में तो भी डालना है, उसको कल रिमांड करना है उसको इमीडिएटली। इसकी वजह क्या है बोल तो हमारा बच्चा बैठे हुआ था मोबाइल में ऑर्डर लेने के लिए ठहरे हुआ था तो उन्हें आगे पीछे से अटैक कर दिया उसको, बच्चे को मालूम ही नहीं कौन है किधर से आया कहाँ है, बच्चा क्या है दाढ़ी है चेहरे दाढ़ी है बच्चे के ऊपर चेहरे पहले से कोई दुश्मनी है दुश्मनी कुछ नहीं है, इन्हें अननोन पर्सन है ने इन्हें कहाँ से आया किधर से आया नहीं मालूम, माहौल खराब करने आया ने, इसके ऊपर इमीडिएटली एक्शन लेना और इसको जेल में डालना और इसको क्या करते करना है तो अच्छुगुड़ा ACP साहब के भी मैं मुताबला करता हूँ और DNR मुतो साहब भी कॉपरेट करे इसमें और SA साहब भी एक्शन लिए इसके ऊपर। जो सुगीर जुमेटो में काम करते हैं जी, तो इनको कोई ऑर्डर था जो अटैक करे ऑर्डर इन्हों लेके वहाँ ऑर्डर के लिए वेट करने के लिए बैठे थे इन्हों पीछे से आके इनके ऊपर अटैक कर दिया है और एक बच्चा इनके जो नवाज नाम थे उन्होंने देखे अरे ये तो हमारा दोस्त है बोल के उसको बचा के उसको धक्का मार के पत्थर फेंक दिया उन्हें, पत्थर डाल दे रहा था आंख पे उनके, पत्थर से अटैक करा उन्हें, गनट से अटैक करा उन्हें, पागल का नाम उसका एड्रेस कुछ नहीं बोल रहे ने डिस्ट्रिक्ट का पता, ये बस्सी में जो चलते फिरते वाले बोले पागल है ऐसी करता बोल के बोले, इसी पहले 2 days पहले ऐसा काम करा बोल के बोले थे ऐसा। अभी उसके ऊपर अब कैसे से अभी मालूम हुआ, अभी हम इमीडिएटली हम गए थे PS को साहब आए थे बड़े साहब आए थे DNR साहब आए थे उन्होंने एक्शन लेने लगा है इसके ऊपर और जो सर कार्रवाई कर रहे हैं उसके ऊपर अभी इमीडिएटली FIR भी हो गया उसके ऊपर। पुलिस वाले बोले पागल है उसके ऊपर कुछ केसेस है क्या मालूम करे आप लोग, अभी उसके ऊपर मालूम नहीं करे, बैकग्राउंड वेरीफाई कर रहे हैं उसका, भी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया उसके ऊपर, अभी चल रहा अभी कार्रवाई चल रही है उसकी। भाई का किसी का कहना है कि उनको जब ही छोड़ दिए फौरी फॉरेस्ट स्टेशन से, अभी बोल रहे थे बच्चे लोग छोड़ दिए बोल तो हंगामा करने से फिर उसको फिर लेके आके अंदर बिठा के उसकी इन्वेस्टिगेशन चालू कर दिया उसका। हमारे गवर्नमेंट से यही है कि हमारे पुलिस वालों से भी यही है कि बच्चे को इंसाफ होना इंसाफ दिलाई काचुगड़ा PS में मैरिड है वो नहीं अनमैरिड है बच्चा है 24 साल का बच्चा है वो।